ऑलराइट व्यूअर्स, यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट स्मार्ट पाइप का पेंट स्प्रेयर है वो अनबॉक्स करना जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट का एक अलग से स्मार्ट पाइप के प्रोडक्ट से, उससे वाले सीरीज से मैं ये लिया था। चलो आप ये बॉक्स खोलते, बॉक्स डबल पैकिंग में आता है, जो नॉर्मल डिलीवरी पैकिंग है वह हम खोल चुके हैं, और ये जो मेन मशीन की पैकिंग आती है वो ऐसी है। तो फिर इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे दी हुई है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट है जून 2022 को, और मैं ये दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ। नेट वेट है 1.6 kg, जो कि पेंट करने के लिए अच्छी ठीक ठाक है। बाकी जो क्वालिटी वाइज देखेंगे तो आप पैकिंग से क्वालिटी झलक रही है, जैसा एक अच्छी खासी पर प्लास्टिक पैकिंग भी की हुई है, जो मैं अभी निकाल दिया। और ये ऐसा बॉक्स है, और फ्लिपकार्ट बॉक्स के बारे में भी बहुत कुछ सोचता है, पैकिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, इसीलिए तो स्मार्ट बाइक की अलग से रेंज निकाला, और बॉक्सिंग भी पैकिंग भी उसकी इतनी अच्छी है, ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो अभी हम खोलते हैं बॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या है। पहला ये एक फनेल है, जो कि वेस्कोसिटी हमारे पेन की मेज़र करने के लिए काम आता है, इसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये मेन मशीन है, कंटेनर के साथ स्प्रे मशीन, जो 1.6 kg जो बॉक्स पे लिखा हुआ था। ये उसके साथ नोजल्स मिलते हैं, एक दो तीन, तीन एक्स्ट्रा नोजल्स प्लस वन उसको लगा हुआ है, यानी टोटल 4 नोजल्स। और यूज़र मैनुअल के साथ एक क्लीन करने के लिए पिन है अंदर साथ में। तो अब देखते हैं क्या क्या है वन बाय वन। पहले यूज़र मैनुअल के से पिन से देखते हैं, ये पिन है जो सिम ट्रे के लिए मोबाइल फ़ोन में पिन ना थे वैसा ही थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। और ये 2.5 mm का नोज़ल, बाकी कोई भी कंपनी का आप देखोगे तो एक ही नोज़ल आपको मिलता है, लेकिन ये स्मार्ट बाइक है इसमें, फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाइक इसमें 3 एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी टोटल 4, एक लगा हुआ ही, 3 एक्स्ट्रा 2.5 mm का ये जो नोज़ल है, आपका ख़राब हो गया तो चेंज कर सकते हैं। क्वालिटी भी आप देख सकते हो, मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है ये रबर वाइसर के साथ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है मटेरियल, आप देख सकते हो। तो ये है 3। फिर इसके बाद और क्या है, ये है वेस्कोसिटी मेजरमेंट टूल फनेल, और इसकी जो ISMR हमारा प्लग है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी अच्छी ठीक दी हुई है। ठीक दी हुई है यानी ज़्यादा रफ एंड टफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बाकी प्रोडक्ट का भी आप बिल्ड क्वालिटी देखिए तो प्लास्टिक भी बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक है जो रफ एंड टफ यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्पेसिफिकेशन है, जैसा इनपुट है 550 वाट का फ्लो रेट जो है
एक गन टाइप, बहुत अच्छा पेंट करने में। और एक एक करके देखेंगे। ये टोटल आपको 1 लीटर का मिलता है, जो ये कैन है नीचे, उसकी भी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आखिर में ओवरऑल प्रोडक्ट देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं एक एक में बताऊंगा अभी, जैसा ये जो कैन है उसकी भी क्वालिटी देखोगे, हार्ड प्लास्टिक है, कैन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये जो स्ट्रॉ देखेंगे पेंट सब करने के लिए, जो है जो एंगल लिया है बहुत ही अच्छा है, जो हम ऊपर या नीचे पेंट करना है सीलिंग में या फ्लोरिंग में, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। क्वालिटी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बाकी इसमें स्ट्रॉ, ये प्लास्टिक की नॉर्मल ऐसा पाइप दिया होता है, लेकिन ये स्ट्रॉ क्वालिटी अच्छी है। तो ये अटेंशन में देखेंगे तो हर 15 मिनट बाद हमें यो 5 मिनट के लिए रुकना है, हर 15 मिनट यूज़ के बाद 5 मिनट के लिए रुकना है। और फिर ये जॉगर व्हील आपके पेंट फ्लो कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। और बाकी में बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये साइड में रबर्स भी दिए हुए हैं। पहले स्टार्ट में मुझे लगा था ये पीछे का पैनल निकलता है क्या, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, पूरा सिंगल बॉडी है और सिर्फ आगे का ब्लैक पोर्शन निकलता है। हेवी प्लास्टिक है, सॉलिड बॉडी है। डबल से ऊपर बटन देखेंगे जो आगे का डिसमेंटल करने के लिए, जो ब्लैक पोर्शन है स्प्रेयर का नोजल क्लीन करने के लिए काम आएगा। फिर ये जो बटन है प्रेस करके थोड़ा इसको घुमाना होता है, तो फिर वो और खींचने के बाद फिर वो बाहर आ जाएगा जो आगे का पोर्शन है। जैसे मैं अभी करके देखा था, अभी फ़िलहाल मेरा हाथ में कैमरा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं करके बताता हूँ आपको। ये एक उंगली से प्रेस करता हूँ, हो गया। ये लॉक में से तो निकल गया, अभी इसको खींचना है बस बाहर के साइड, ये निकल गया। फिर ये आपको क्लीनिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसा अभी अभी मशीन में देखोगे तो ये 550 वाट की अंदर फैन लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है। और ये टोटल एक गाड़ी के कार्बोरेटर के जैसा पेंट फ्लो को कंट्रोल करता है वो सिस्टम है अंदर पूरा। और ये हम लोग अभी नोजल देखेंगे, ये जो साइड में रबर भी दिए हुए कि जब हम साइड पे ऐसा ये स्प्रे मशीन रखेंगे तो स्क्रैचेस से बचेगा वो बॉडी। और ये जो नोजल देखेंगे तो ये ऐसा खुलता है, तो ये जो पिन है और वो आगे जो वाइट अंदर लगा हुआ है डिस्क, तो ये हमको एक्स्ट्रा 3 भी मिले हुए, जैसा मैं सिर्फ वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो ये सब हमें क्लीन करना होता है हर पेंट के बाद। रबर वाइजर लगा हुआ है इसे, ये नोजल है। नोजल की जो ये अपर पार्ट है, अपर कोट है, ये भी हम कैसा प्लेस करना है मैं आगे बताऊंगा पेंट करने के लिए। वो पेंट डायरेक्शन आपका बताता है इस पे। 2.5 mm नोजल है,
जैसा पहले मैं बताया था। और ये अब कैन का देखेंगे, वेस्को सिटी का, जैसा मैं आपको बताया था मेजर के समय में। मैं अभी फिलहाल आपको पानी से स्टार्ट में बताऊंगा। पहला तो ये पानी में डुबा लेने का, ये ज़रूरी नहीं है कैन में करना, आप बाल्टी में कर सकते हो, पेंट बकेट में। तो ये जैसे ऐसे पानी से डुबा के निकालने का, और टोटल आपको टाइम गिनना है कि पानी जो भी लिक्विड है उसमें से पूरा कितने टाइम में निकलता है। तो ये सब ये पानी 2 सेकंड में निकलता है, 2 या 3 सेकंड में। तो वैसा अभी आपको देखना है कि आपका पेंट का वेस्कोसिटी कितना है। तो ये जो बेस्ट है स्प्रे पेंट के लिए, और 20 to 30 seconds के इसमें होना चाहिए, 20 to 30 seconds। और ये जो पाइप है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे आपको ऊपर पेंट करना है तो पीछे साइड करके रखेंगे, जैसे पेंट फ्लो नीचे रहेगा ग्रेविटी वाइज, और नीचे फ्लोर वाला इसमें करना है तो आगे साइड फेस करके रखेंगे। तो उस हिसाब से आपको पाइप लगना है और पेंट करना है। आगे नोजल का डायरेक्शन का इमेज में आपको देखा होगा वीडियो में, वो देख। Thank you for watching my video. Have a great day.